नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सीमा हैदर की चर्चा इस वक्त भारत में नहीं पाकिस्तान में भी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की वो है और पाकिस्तान में उनके पति गुलाम हैदर रहते हैं। गुलाम हैदर के तमाम बयान से जो है अब ज्यादा सनसनी मची हुई है। गुलाम हैदर ने कहा था कि उनके जो भाई है सीमा हैदर के और जो चाचा है वो पाकिस्तान आर्मी में है, तो इससे जासूसी के शक भारत में सीमा के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं आपको बता दें कि सीमा ये चाहती हैं कि वह भारत की नागरिकता ले लें और यहीं पर बस जाए। आपको बता दें कि एटीएस की जांच पर यह पता लगा कि सीमा हैदर के जो आधार कार्ड हैं वो नकली हैं। सीमा हैदर ने भारत का एक नकली आधार कार्ड भी बनवाया था, जिस पर वो पकड़ गई हैं। और इस आधार कार्ड की जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये आधार कार्ड बुलंदशहर में बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बुलंदशहर में जाकर जांच पड़ताल की तो सचिन के दो भाई पकड़े गए। सचिन के दो भाई सहज जनसेवा केंद्र चलाते थे, जिस पर वो आधार कार्ड बनाने जैसे काम करते थे, और सचिन के कहने पर उन्होंने सीमा हैदर का आधार कार्ड बनवाया और वो पकड़े गए। मतलब कि पुलिस ने जब जाँच की तो वो पकड़े गए और उन्होंने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्शकों, आपको बता दें, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सचिन हर वो प्रयास कर रहे हैं जो एक पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है। सीमा हैदर का आधार कार्ड बनवाया, सीमा हैदर के तमाम दस्तावेज वो बनवा रहे हैं ताकि उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके। लेकिन इस बीच उनके पिता का भी बयान आता है, जिस पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी बहू पाकिस्तान से आई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। मतलब कि वो पाकिस्तान से आई हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो आखिर उन्हें चैन से जीने दिया कैसे जाए, ये लोगों का सवाल है। लोग कहते हैं उनके पास अगर वीज़ा होता, उनके पास यहाँ की जानकारी होती और वो जो है गैर कानूनी तरीके से ना आई होती तो आखिर उन पर जांच ना होती। थोड़े बहुत दस्तावेज की जाँच करके उनको छोड़ दिया जाता और वो आसानी से रह सकती थी, लेकिन वो अवैध तरीके से भारत में घुसी हैं तो आखिर उन पर जाँच क्यों ना की जाए। एटीएस ने भी उन पर जाँच की है और तमाम सबूत निकाले हैं, लेकिन एटीएस को अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता लगाया जा सके कि सीमा हैदर जासूस हैं और वो जासूसी के इरादे से पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई हैं। आपको बता दें, एटीएस की जांच में उनके दस्तावेज तो छूटे निकले हैं, उनकी जो है पांचवी की मार्कशीट में ये लिखा गया है कि वो पांचवी तक पढ़ी हैं, लेकिन सीमा हैदर कहीं ना कहीं इंग्लिश में बात करती हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, और कोई महिला पाकिस्तान में रहती रही, वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी रही और अचानक वो हिंदुस्तान आती है और हिंदुस्तान में आके हिंदी बड़ी अच्छे ढंग से बोलती है और हिंदू सभ्यता को बड़े अच्छे से समझती है। ये किसी महिला के लिए आम काम नहीं। कोई अगर समुदाय बदलता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं कि वो इतनी जल्दी यहाँ की भाषा, यहाँ के तौर तरीके और हिंदू समुदाय के चीज़ों को समझ सके। हिंदू समुदाय में जो है पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, बातचीत के तरीके अलग हैं, शादी विवाह के तरीके अलग हैं, और वो इन सब को भली भांत समझ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जासूस होने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उनके लिए अभी कोई ऐसे सबूत नहीं आए हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि वो सचमुच जासूस हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दस्तावेज झूठ निकले हैं, उसकी बुनियाद पर ही आगे चर्चा की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।